हेलो दोस्तों, मैं अजय बोसा और आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम जानेंगे झारखंड के स्ट्रीट फूड के बारे में जिसका नाम है गुलगुला। और ये जो गुलगुला है आपको ओडिशा, वेस्ट बंगाल और झारखंड में आपको हर जगह मिलेगी। और ये जो फूड है ये झारखंड के लोगों का सबसे पसंदीदा डिश है। तो आइए जानते हैं कि इसे किस तरह से बनाया जाता है। तो इस स्ट्रीट फूड को बनाने के लिए, गुलगुला को बनाने के लिए आटे की ज़रूरत होती है जो कि हम गमले में ले चुके हैं। और इसके बाद इसमें चीनी डाला जाएगा ताकि इसमें मिठास आ जाए। स्वाद अनुसार चीनी डाल लो। हल्का सा नमक जैसे कि आप देख रहे डाला जा रहा है। खाने का सोडा भी इसमें मिलाया जाता है। और हल्का सा सौंफ ताकि टेस्ट इसका अच्छा रहे। अब पानी में इसको अच्छी तरह से डाल के मिला लें। जैसा कि आपने देखा कि इसे मिलाने में ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस हल्के से पानी में मिला लें। तो ये जो पेस्ट है बनके रेडी हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा इसे ऑयल में फ्राई किया जाएगा। तो अभी हम देखेंगे कि किस तरह से गुलगुला को छोड़ा जाता है तेल में। गुलगुला को जो छोड़ने का प्रोसेस है तेल में, वो एक एक करके अच्छे तरह से गोल गोल करके पकड़ के, जैसे आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये पकड़ रहे और छोड़ रहे हैं। और चारों तरफ पकने के लिए उसे हिलाना ज़रूरी है। तो आप देख रहे हैं कि ये धीरे धीरे रेड होते जा रहा है, मतलब इसका मतलब ये है कि ये पकने जा रहा है। तो अच्छी तरह से पकने के बाद इसे फिर उतार दिया जाएगा और फिर खाने का आनंद लिया जाएगा। तो ये पक के रेडी हो चुका है। अब इसे देख रहे कि उतार रहे हैं, उतार के थोड़ा रख लीजिए ऊपर ताकि तेल जो है नीचे गिर जाए। तो अब ये बन के रेडी हो चुका है। तो आइए देखते हैं इसे किस तरह से खाया जाता है ताकि इसका स्वाद और अच्छा लगे। तो गुलगुला बन के रेडी होने के बाद आप इसे घुगनी और प्याज थोड़ा ऊपर में डाल के, सॉस डाल के आप इसे अच्छी तरह से खा सकते हैं। इसका स्वाद बहुत ही अच्छा होगा। आप बिना इसे किए भी इसको सूखा खा सकते हैं, बिना घुगनी दिए, बिना सॉस दिए आप ऐसे भी इसको खा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें। और गुलगुला को बनाने के लिए अगर आपके मन में कोई सवाल उठ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करें।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।